सुप्रभातम। आज एक दीर्घ अंतराल के बाद हम लोग कक्षा 12 की हिंदी पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अब 19 तारीख सोमवार से आप लोगों का विद्यालय खुलने जा रहा है। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन होगा, फिर भी किसी भी प्रकार से यन प्रकार शिक्षा क्रम को आगे बढ़ाते रहना है, इसके लिए सभी लोग सतत प्रयासरत रहेंगे। आप लोगों को जो सरकारी आदेश था उसकी सूची भेज दी गई थी ऑनलाइन, जल्दी ही आज या कल आप विद्यालय के ओर से जो सूचना होगी वो भी भेज दी जाएगी। अब आगे हम लोग अपने पाठ की बात कर लेते हैं। आज के पाठ में हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, जो आपके हिंदी काव्यखंड का दूसरा पाठ है, इसको पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी ने इस प्रसंग को क्यों उठाया, इस प्रसंग की क्या भूमिका है रंग कथा में, काव्य में, आपके कोर्स में, इन सब पर पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करें हम अपने राष्ट्रकवि जी की। आप जानते हैं हिंदी साहित्य ने अद्भुत कवियों को उत्पन्न किया है। हमारे देश में अनगिनत साहित्यकार हुए हैं, जिनमें से एक अद्भुत महान श्रेष्ठ शब्द नहीं है क्या कहा जाए, ऐसे कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, झांसी जिले के चिरगांव में सन 1886 में मैथिली शरण जी का जन्म हुआ। इनके पिता रामचरण गुप्त जी भी हिंदी के अप्रतिम प्रेमी थे और मैथिली शरण गुप्त ने भी ऐसा ही कुछ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इनकी भेंट हुई थी और उन्हीं की भेंट के बाद मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन अद्भुत हो गया, प्रखर हो गया कह सकते हैं, मुखरित हो उठा इनका साहित्य। उन्हीं के उपदेश से, उन्हीं के परामर्श से इन्होंने काव्य कला में अपने और निखार लाया। इनकी कविता मुखरित हुई, अत्यधिक सुंदर। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कुल 40 मौलिक ग्रंथ हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, मौलिक उन ग्रंथों को कहते हैं जो मूल रूप से लेखक के मन में उत्पन्न हुए था, वो मौलिक कहलाते हैं। ठीक है, और जो अनुवाद किए जाते हैं एक जगह से लेकर दूसरी ओर लिख दिए जाते हैं, उन्हें अनुदित ग्रंथ कहते हैं। तो 40 ग्रंथ हैं इनके, जिनके नाम आपको किताब में मिल जाएंगे। रंग में भंग, जयद्रथ वध, इनका इतना अद्भुत, इतना महिमा मंडित महाभारत कांश है कि आप पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा। महाभारत के काव्य पर आधारित, महाकाव्य महाभारत, उस पर आधारित दो कवियों ने बड़ी सुंदर रचनाएं की। एक है हमारे दिनकर जी। तो दिनकर जी आधुनिक छायावाद उत्तर काल में आए। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के नाम से महाभारत का संपूर्ण सार लिख दिया है काव्यबद्ध करके। उर्वशी महाकाव्य में अपने उन्होंने उर्वशी की कथा लिखी, वो भी महाभारत का ही अंश है। और फिर हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने जयद्रथ वध लिखा, इतना सुंदर है। चक्रव्यूह की रचना, अभिमन्यु के मृत्यु से लेकर जयद्रथ के वध तक की संपूर्ण कथा कभी पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, बहुत ही अद्भुत काव्य है। किसी दिन मैं समय मिला तो आपको कुछ छंद जरूर पढ़ाऊंगा अपने ही वीडियोस के माध्यम से, तो बने रहिएगा। क्लास आप लोग विद्यालय में अटेंड करें या ऑनलाइन, दोनों को साथ साथ लेकर चलते रहिए। आप स्कूल में भले ही पढ़ रहे हों, ऑनलाइन क्लास आपकी चलती रहेगी तो आप इसे भी पढ़ेंगे। जो लोग स्कूल नहीं उपस्थित हो पा रहे उनके लिए तो यह वरदान है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की उपाधि भी दी गई थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और मंगला प्रसाद पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें मिला है। किस रचना पर, साकेत। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। इस साकेत के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, आप जानते हैं हिंदी साहित्य का सम्मेलन, इसका ऑफिस कहाँ पर है, 11th
प्रयाग में प्रयाग द्वारा इन्हें मंगलाक्षात पारितोषिक दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए यह पारितोषिक का पुरस्कार मंगलाक्षात पारितोषक दिया गया था। ठीक है, यह पारितोषक नंद करके इसको पारितोषिक कहते हैं, अर्थात इन्हें पुरस्कृत किया। तो ये तीन पुरस्कार भी इनके, मंगला प्रसाद सबसे पहले, फिर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, और फिर पद्म भूषण से सम्मानित करके इन्हें राष्ट्रकवि बना दिया गया। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं आप लोग देखिएगा। अब बात करें कैकेयी की, कैकेयी का अनुताप की, रामकथा में इसका क्या अंश है आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वर्ष भी, इस बार भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आज बताता हूँ। हमारे देश में रामकथा, रामायण एक अप्रतिम अद्भुत अभूतपूर्व ख्याति के साथ जानी जाती है। सर्वप्रथम इस रामायण की रचना भगवान शिव ने की अपने मन में, मन ही मन राम कथा को उन्होंने अपने भाषाबद्ध किया। ठीक, आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, फिर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। शिव जी ने उसको अपने मन में रचा और समय आने पर पार्वती जी को सुनाया। इसीलिए मन में लिखने के कारण ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, मन में जो हो वो मानस कहलाया। फिर संस्कृत में सबसे पहले इस कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। अलग अलग समय पर अलग अलग साहित्यकारों ने, ऋषियों मुनियों कवियों ने अपनी अपनी भाषा में रामकथा को लिखते रहे। आधुनिक काल आया, यानी कि आज का युग, आज से लगभग 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी क्षेत्रीय भाषा अवधि, जो हमारी अपनी मातृभाषा है, उसमें रामचरितमानस की रचना की। एक नेपाल के कथावाचक थे राधेश्याम पंडित, उन्होंने कीर्तन वाले धुन में हिंदी भाषा में रामकथा कही, किंतु उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी कथाओं का समावेश किया जो लोगों को अधिक रुचिकर नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत से रामायणों का अंश लिया, तो कुछ लोगों ने उसको कल्पना भी माना। तब यथार्थ की धरती पर, वास्तविकता की भूमि पर लाने के लिए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी आगे आए, और इन्होंने साकेत महाकाव्य में संपूर्ण रामकथा का वर्णन किया है। अब साकेत की रचना पर मैथिली शरण गुप्त जी को इसलिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। हिंदी की रामायण साकेत, आप जानते हैं साकेत कहते हैं भगवान के धाम को, अपनी अयोध्या जो है, ठीक है, अयोध्या को भी साकेत भी कहा जाता है। श्री राम का यह धाम, मैथिली शरण गुप्त जी ने राम कथा लिख डाली। अब जितने भी कथाकार हुए हैं आप देखिए, उन्होंने मुख्य पात्रों को, जो कह सकते हैं मेन रोल में थे, उन्हें ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा। रामायण आप सीधे जानते हैं राम और रावण से संबंधित है, राम के तीन भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, उनके माता पिता इत्यादि से बस थोड़ा थोड़ा परिचय देते हुए चलता है। किंतु इस रामायण में कुछ छोटे छोटे पात्र भी हैं जिनकी भूमिका तो कम दिखाई गई है, काव्य में कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कई कवियों ने उसकी उपेक्षा की है, लिखा नहीं। जैसे माता कैकेयी को ले, कैकेयी भरत जी की माता हैं, दशरथ जी की रानी हैं, और राम को उन्होंने वनवास भेजा, इतने लिख करके तुलसीदास ने कैकेयी की कथा नहीं लिखी। किसी भी कवि ने इस पर चर्चा नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने छूटे हुए पिछड़े हुए लोगों को उठाया और उन्होंने कैकेयी की कथा लिख डाली। कैकेयी का अनुताप जो आप पढ़ने जा रहे हैं, पश्चाताप है, कैकेयी की बातें हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी तरह उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी, राम का जब विवाह सीता जी से हुआ तो उनकी छोटी बहन सीता की छोटी बहन उर्मिला के साथ लक्ष्मण का विवाह तो संपन्न हो गया। राम वनवास गए, थोड़ी सी चर्चा उर्मिला की किया कि वो भी लक्ष्मण के साथ चलना चाहती थी, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। इसके बाद कवियों ने उर्मिला की गाथा छोड़ दी, पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ते चले गए। हमारे राष्ट्रकवि जी ने उर्मिला को लिया। पिछले साल कक्षा 12 में, आज भी आप किताबों में देखेंगे तो कैकेयी के अनुताप के पश्चात गीत
शीर्षक से चार पांच पद हैं, ठीक है। वह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उर्मिला काव्य से आधारित है। उर्मिला भी ऐसी ही एक पात्र है रामचरित मानस में से रामकथा में, जिसे कवियों ने नजरअंदाज कर दिया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने उसे उठाया। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। सिद्धार्थ जब घर छोड़कर निकले, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को घर पर छोड़ दिया। आगे बुद्ध की कथा लिखते गए लोग, लेकिन बुद्ध की उस पत्नी को यशोधरा को भूलते चले गए। किंतु मैथिली शरण गुप्त ने उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया। ऐसे पिछड़े हुए लोगों की कथाएं उन्होंने अपने काव्य में उठाने का प्रयत्न किया है, और इसीलिए शायद यह तब से लेकर अपने युग से आज तक सम्मान के पात्र हैं और बने रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनकी भाषा शैली पर। मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा शुद्ध हिंदी, ठीक है। एक मिनट, अब देखिए भाषा तो एकदम शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी, जिसको कहते हैं परमार्जित, जिन्होंने परम अर्जित की, अर्जित करने वाला कमाना, अपनी मेहनत से अर्जित की, उस हिंदी भाषा में लिखा। इनके छंदों में देखें मंदा क्रांता, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित, हरि गीतिका, बरवय आदि छंद, तुकांत अकुकांत, गीति छंद, बहुत से छंदों में इन्होंने रचनाएं की हैं, जो कि आसान नहीं। दोहा चौपाई सुरठा होला ये सब बहुत आसान है, क्योंकि मात्रिक छंद है, मात्राएं गिनकर आप लिख देते हैं। लेकिन जब वर्णिक छंद लिखना है, आपको 23 वर्ण लिखने हैं, आपको 26 वर्ण लिखने हैं, तब कठिन हो जाता है। सवैया में लिखे इन्होंने, गीत में लिखे हैं, ठीक है। श्रृंगार छंद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तुकांत छंद इसको कहते हैं। एक रूपमा, रूपक, परीक्षा, यमक और श्लेष जैसे प्रचलित अलंकार हैं, तो दूसरी ओर धन ध्वनि अर्थ व्यंजना मानवीकरण से अद्भुत अलंकार। ध्वनि अर्थ मतलब ध्वनि से, शब्दों से इन्होंने जादू बिखेरा है अपने काव्य में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अंत्यानुप्रास इन्होंने जिस तरह से लिखा, इसका कोई जोड़ नहीं, इनके जैसा कोई नहीं, अलौकिक है ये अंत्यानुप्रास के प्रयोग में। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति अत्यधिक सजग थे। मैथिली शरण गुप्त जी को यह ज्ञात है कि किस युग में मनुष्य किस चीज पर अधिक रुझान देंगे, इस आधुनिक समय में लोग किस चीज को पसंद करेंगे, और ऐसे हिसाब से उन्होंने अपनी कविता लिखी है। अब हम लोग अपने शीर्षक पर आएंगे और महाकवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक जो आपका ये शीर्षक ये पाठ है उसको पढ़ेंगे। पहले इनका दो खंड था, एक गीत और एक कैकेयी का अनुताप। गीत को हटा दिया गया है आपके कोर्स से कोविड-19 के इस चक्कर में, चूँकि 17 आपका कम हो गया है, और कैकेयी का अनुताप जो कि अति महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई है जिसमें ये पाठ पूछा गया हो, पिछले साल भी आए थे, तो हम लोग पढ़ते हैं। अनुताप का क्या अर्थ है? अनुताप का एक सीधा सा अर्थ है पश्चाताप। अपने किसी भी किए हुए बुरे कर्म के पश्चात, अपने द्वारा किए हुए ऐसे कार्य के पश्चात जो करना नहीं चाहिए था, जो हमारे मन को ताप होता है, जो दुख होता है। कभी कभी हम ऐसे काम कर जाते हैं जो वास्तव में करना नहीं चाहते, विवशतावश कर लेते हैं, तब हमारे मन को क्या होता है, क्षोभ होता है, दुख होता है, ग्लानि होती है, और तब जो हमारे मन को जो क्षोभ, जो ग्लानि, जो दुख है, जो पछताते हैं हम अपने किए हुए कार्य, उसी को पश्चाताप कहते हैं। यहाँ अनुताप कहा गया, अनुमान्य होता है बाद में। कैकेयी का पश्चाताप, रानी कैकेयी, कैकेयी के राजा महाराज अश्वपति की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की पत्नी, और फिर भगवान श्री राम की माता होने का जिन्हें गौरव था, वो भरत जी जो धर्म की मूर्ति है। आपने 11 में पढ़ा कि जन्म होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को, इस धरती पर धर्म की धुरी को भला कौन धारण करता यदि भरत जी ना होते। ऐसे दिव्य महापुरुषों की जिन्हें माता होने का गौरव प्राप्त था, वह माता कैकेयी पश्चाताप क्यों करेंगे? ऐसा कौन सा दुख है कि कैकेयी पश्चाताप कर रही? इस बारे में अपनी कथा बताते हैं। देखिए प्रसंग बड़ा रोचक है, आपने बहुत
सभी देखी होगी, होता यह है कि भगवान श्री राम को वनवास दिया जाता है। दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारियां की हुई हैं। उसी काल में मंथरा दासी के उकसाने पर कैकेयी ने दशरथ जी से पूर्व काल में दिए हुए अपने दो वरों की सौगंध देते हुए दो वरदान मांग लिए। पहले में भरत का राज्याभिषेक, दूसरे में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। अब प्रभु को वनवास हो गया, चल दिए लक्ष्मण और सीता के साथ। इधर दशरथ जी वियोग पीड़ित थे, राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत जी उस वक्त अपने ननिहाल में कैकेयी देश में थे। देखिए कैकेयी जो है कैकेयी, ये एक उत्तर प्रदेश में ही अपने पड़ता है, कौशल में ही पड़ता था, कौशल क्षेत्र में एक देश है कैकेयी। कैकेयी के राजा थे अश्वपति, ठीक है, कैकेयी नरेश अश्वपति, और इनकी पुत्री कैकेयी की पुत्री होने के कारण ही कैकेयी कहलाती। जैसे द्रुपद की पुत्री द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी पांचाली थी, ठीक है, जनक की पुत्री जानकी, ठीक है, और इसी तरह से कैकेयी नरेश अश्वपति की पुत्री को कैकेयी के नाम से वर्णन किया गया है। यही भरत जी की माता थी, दशरथ जी की रानी और भगवान श्री राम की माता सौतेली माता का गौरव इन्हें प्राप्त था। अब जब श्री राम को वनवास हुआ, भरत जी ननिहाल से आए दशरथ जी की मृत्यु के बाद, पिता की अंतिम संस्कार करने के बाद भरत जी को लोगों ने कहा कि अब तुम राजा बनो, क्योंकि दशरथ जी ने दो वर दिए थे, एक में राम का वनवास और एक भरत का राज्याभिषेक। तो राम तो वन चले गए, लेकिन तुमने अभी वरदान पूरा नहीं किया है, तुमने राज्य नहीं लिया, तुम राजा बनो। तो भरत जी ने कहा किस अधिकार से, राज्य पर बड़े भाई का अधिकार है। पिता की यही इच्छा थी, अंतिम इच्छा यही थी कि राम की राजा बने, और ये कैसे हो सकता है। कैकेयी को कोई समझ नहीं, उन्होंने कैकेयी को भी बहुत डांटा, बहुत फटकारा, धिक्कारा, और राम जी को मनाने के लिए वो पूरे परिवार सहित तीनों माताएं कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ वामदेव जा वाले विश्वामित्र जैसे ऋषि, अपने मंत्री सुमंत आदि को लेकर पूरे साजबाज से राज्याभिषेक की सामग्री सहित वो श्री राम को लाने के वनवास में थे। भगवान श्री राम तो वन की ओर चित्रकूट जाकर पहुँचते हैं, प्रयागराज से आगे चित्रकूट में जाकर श्री राम निवास कर रहे थे। तो भरत जी ने यह सोचकर यात्रा आरंभ की कि हम वहीं पर श्री राम का राज्याभिषेक करके उन्हें राजा बना कर लाएंगे। आपने पिछले साल 11 में पढ़ा है तुलसीदास जी के प्रसंग में कि भायक भगत भरत आचरण कहत सुनत दुख दूषण, और भाई के प्रति भरत जी का जो भक्तिपूर्ण आचरण है वो कहने और सुनने से मनुष्य के दुखों का नाश हो जाता है। भरत जी ऐसे हैं, चलत पयादे खात फल पिता दीन तजरा, पिता के दिए हुए राज्य को त्याग दिया भरत ने। अयोध्या जैसा राज्य जो पूरी पृथ्वी पर चक्रवर्ती थे भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती हैं, और उस राज्य को भरत ने ठोकरों में रख दिया, छोड़ो हटाओ इसको, ये राम का राज्य है, मेरा नहीं, उनका अधिकार है, बड़े भाई का अधिकार मानकर पैदल ही नंगे पैर कंद मूल खाते हुए एक राजकुमार कंद मूल फल खाते हुए जंगलों से बीने हुए फल खाकर चित्रकूट जाते हैं, पैदल चलते हैं। आप सोचो कि अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा भरत जी ने पैदल ही की थी, आज के जैसा उस समय हाईवे नहीं बना हुआ था, जाते हैं श्री राम को मनाने। तो पिछले वर्ष आपने यहाँ तक पढ़ा कि जाकर सभी लोग मिलते हैं, आज उसके आगे चित्रकूट की कथा हम लोग थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। हुआ क्या, श्री राम से दर्शन हुए, सभी लोग मिल लिए एक दूसरे से, राजा जनक भी वहाँ आ गए हैं, सभा बैठती है। कुटज का अर्थ होता है कुटिया, हम लोग अपनी पहली पंक्ति पर आते हैं, पहली पंक्ति क्या है, तदनंतर बैठी सभा कुटज के आगे। देखिए कुटज, कुटज का अर्थ कुटिया, ठीक है, जो छप्पर वगैरह होता है, ठीक है, उस कुटज उस कुटिया के सामने सभा बैठती है। अब उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी, तीनों माताएं हैं, राजा जनक जी हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग जो भी आए थे, मंत्री वगैरह उनके सामंत सब बैठ गए, प्रजाजन खड़े हुए हैं चारों तरफ से। संध्या का समय है, आप सोचिए संध्या का समय है, आज
नहीं आज नहीं, आज से ठीक 15 दिन बाद आप जानते हैं शरद पूर्णिमा आने वाली है। आप आज के बाद शुक्ल पक्ष लग जाएगा तो आप कल के बाद देखेंगे कि रात कितनी प्रकाशमान होती है, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है बारिश के बाद। ऐसे समय आते हो चांदनी रात को चंद्रमा का प्रकाश बिखरा हुआ हो कितना सुंदर लगता है, ठीक है, बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। तो ऐसे ही चित्रकूट में, ठीक है, श्री राम की कुटिया बनी हुई है, कुटिया के सामने आसन लगे हुए हैं और सभी लोग यथावत अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। धीरे धीरे हवा चल रही है, हवा में फूलों की, जंगल के फूल पौधे जो हैं, फलों के पौधे, उनकी सुगंध। ऐसे में सब बैठकर आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो तारे नहीं वो देवताओं की आँखें हैं, जो देवता लोग ऐसे नीचे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये सारा कुछ अपने देवताओं का था, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि श्री राम राजा न बने वन में जाए तभी तो राम को मार पाएंगे, इनका काम हो जाएगा, स्वार्थी हैं देवता। अब ये लोग इस परिणाम को जानने के लिए देवता लोग उत्सुक हैं कि कहीं राम जी लौट ना जाए, क्योंकि भरत जी तो अपार प्रेमी है श्री राम के और भगवान तो भक्त के अधीन है, वो जैसा उनका भक्त चाहेगा वैसा ही करेंगे। अब देखिए होता क्या है, श्री राम के सामने सभा बैठी है जगह जगह, ठीक है, नीले तान के तले दीप बहु जागे, आकाश में टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो ऐसे लगता है कि आकाश जो है वो एक तंबू बन गया है, खुले में सब लोग बैठ रहे हैं। देखिए रात में लोगों को सभा कर रही है, लोग अंदर बैठते हैं घर के बाहर नहीं, लेकिन वहाँ सब लोग मैदान में बैठे हैं। ये आपका जमीन ऐसे कल्पना में बना रहा हूँ कि लोग मैदान में बैठे हैं आसन लगा कर, इसके ऊपर जो ये आकाश है यही तंबू हो गया, तंबू छत का काम कौन कर रहा आकाश। अब घर में अगर कोई काम हो रहा हो रात के समय तो दिए जला दिए जाते हैं, लाइट जल रही होती है, वहाँ तो कोई लाइट है नहीं, वहाँ कौन है, आसमान में तारे हैं, ठीक है, जो विद्युत का काम लाइट का काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पहली पंक्ति पर अपने आते हैं, कैकेयी जो पश्चाताप करती इसके बारे में मैंने कथा छोड़ दी। भरत जी से श्री राम इस सभा में पूछते हैं कि हे भाई कहो तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम क्यों ये राज समाज लेकर अयोध्या छोड़कर वनवास में आए हो। तो भरत जी कहते हैं मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलिए आप राजा बनेंगे, आप अयोध्या के राजा होंगे, हम सेवक हैं, हम कैसे राज लें। तो राम ने कहा भाई पिताजी ने तो वचन दिया था, तो कैकेयी पश्चाताप करती है क्योंकि उसे ये बात याद हो चुकी है कि ये सारा दोष उसी का है, उसी ने राम को वन भेजा, वही दशरथ जी की मृत्यु का कारण है और आज भरत का इतना जो दुख है, भरत इतने दुखी हैं राम के वन जाने से, वो मेरे ही कारण है। इसलिए कैकेयी अधिक ग्लानि में है, वो स्वयं को पूर्ण दोषी मानते हुए पश्चाताप करती है, अपनी बात राम के समक्ष रखती है कि मैं क्षमा चाहती हूँ, तुम वापस चलो। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तदनंतर बैठी सभा कुटज के आगे, तदनंतर मतलब वही कि सभी लोग जब पहुँच गए चित्रकूट, सब एक दूसरे से मिल गए, तद अनंतर, तत् माने उसके, अनंतर माने बाद, तत्पश्चात बैठी सभा कुटज के आगे, कुटिया के आगे, कुटिया के सामने सभा बैठती है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, नीले वितान माने तंबू होता है, छत होता है। अब नीला वितान यहाँ क्या है, आकाश, ठीक है, देखिए वितान का वैसे वर्ग तंबू, छत या आवरण कह सकते हैं। अब वो सभा खुले गगन के नीचे हो रही है तो नीले वितान
खूब जागे। नीले आकाश के नीचे बहुत से दिए जल रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे दिए जो जल रहे हैं नक्षत्र। फिर से एक बार देखे छूट गया शब्द कि तदनंतर बैठी सभा उपज के आगे। तत्पश्चात कुटिया के सामने सभा बैठती है। नीले वितान के तले आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे नीली छत के नीचे दीप बहु जागे। तारों रूपी बहुत से दिए जल उठे हैं। वे तारे टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे एक टक देखते हुए देवताओं की आंखों के समान हैं। वे तारे एक टक देखते हुए देवताओं की आंखों के समान हैं जो परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के गुण हैं। वे जो उस सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर धरती पर देख रहे हैं। ऐसे आप लोग लिखेंगे कि वे तारे एक टक देखते हुए देवताओं की आंखों की तरह से हैं जो उस सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर देख रहे हैं। अब उस समय क्या होता उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महिमा कर। अब करौंदा जानते हैं करौंदा एक पेड़ होता है उसके छोटे छोटे फल होते हैं जिसका घरों में अचार वगैरह बनाया जाता सुगंध। जब करौंदे में कभी फूल आए तो बड़ी सुगंध आती है एक अद्भुत सुगंध है अच्छी लगती है। जैसे आप रात के समय हर श्रृंगार के पेड़ के पास जाइए अद्वितीय सुंदरता रात रानी का फूल फिरता है। ऐसे करौंदी का जो फूल छोटा छोटा होता है नींबू की तरह सफ़ेद सफ़ेद करौंदी आप जानते हैं गांव में करवन करौंदी। तो उस करौंदे का जो कुंज है कुंज माने होता है झुरमुर। कुंज के दो अर्थ हैं सूरदास लिखते हैं तो कुंज माने कदम्ब का झुरमुर कदम्ब की छाँव और यहाँ कुंज करौंदी कुंज इसीलिए कहा गया। करौंदे का जो झुरमुर है करौंदे के जो पेड़ उनके फूलों के साथ हवा जब चलती है तो हवा में करौंदे के उन फूलों की सुगंध है और उत्फुल्ल है अद्भुत है प्रफुल्लित कर देने वाली खुश कर देने वाली करौंदे के कुंज से होकर बहती हुई हवा करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर मतलब अपनी अद्भुत सुगंध से सबको पुलकित कर रही थी प्रसन्न कर रही थी। वैसे आप सभा में कहीं बैठे हों कहीं भी बैठे हों कुछ बदबू आ जाए तो आदमी नाक बंद कर ले तारे छोड़ो यार कहीं बदबू आ रही उसके भागता है। लेकिन कहीं कुछ अच्छी सुगंध हो तब कहते हैं बड़ी बढ़िया सुगंध है वहाँ रोक कर उस आनंद को लेते हैं। तो ऐसे ही उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रहकर उत्फुल्ल का सुंदर कर करौंदे के कुंज से करौंदे के झुरमुरों से होकर बहने वाली जो सुंदर वायु है शीतल मंद सुगंधित त्रिविध वायु है वो करती थी सबको पुलक पूर्ण महिमा कर। वो अपनी महिमा कर अर्थात अपनी महक से अपनी सुगंध से सबको पुलक पूर्ण पुलकित करती थी प्रसन्न रोमांचित कर रही थी सभी को हर्षित कर रही थी। ठीक है चांदनी एकदम शुद्ध है वही जैसे नौ में पढ़े थे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है आमनी और अंबर तल। राम जहाँ है वहाँ तो चांदनी हर चीज़ अच्छी ही होनी है। इतना सुंदर चंद्रमा का प्रकाश है कि धरती से आकाश तक पूरा सफ़ेद चादर सी तन गई है। तो कहते हैं वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिए इतनी सुंदर चांदनी है चंद्रमा का प्रकाश इतना दिव्य फैला हुआ है कि लगता है मानो ये धरती नहीं स्वयं चंद्रलोक है क्योंकि ऐसी चांदनी और कहीं हो ही नहीं सकती। बिल्कुल लग रहा है कि ये धरती न होकर चंद्रलोक है बड़ी दिव्य चांदनी फैली। कहते हैं कि वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी धरती पर चंद्रमा के प्रकाश को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे वो धरती ना होकर बल्कि स्वयं चंद्रलोक है क्योंकि धरती पर तो ऐसी चांदनी होना संभव नहीं है वैसी सुंदर चांदनी और कहीं नहीं हो सकती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी और उस समय सभा शांत बैठी हुई है सब लोग चांदनी रात है सुंदर सुगंध है वायु में आनंदित होकर बैठे हैं सब देख रहे हैं राम की ओर की तब कौन बोलेगा। जैसे सभा तो लग जाए लेकिन कौन पहले बोलेगा इसकी भी तो लोगों के मन में सोच होती है। जैसे ये तो तय हो जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दे लेकिन बांधेगा कौन अगुआ कौन तो सब टकटकी लगाए राम को देख रहे हैं क्या होगा। अब देखिए कहते हैं
देखे तो अद्भुत सुंदर चांदनी है, जैसे लगता धरती ना होकर के सीधा चंद्रलोक ही है, क्योंकि धरती पर आओ कहीं इतनी सुंदर चांदनी नहीं। और ऐसे में उस सभा की शांति को भंग करते हुए भगवान श्री राम बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी देखे। गिरा का अर्थ है वाणी, गिरा का अर्थ वाणी। आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में कक्षा 10 में भी एक चौपाई पढ़ी थी, जब स्वयंवर कथा आपने पढ़ी थी, ठीक है, कि गिरा अलिन मुख पंकज रूपी, सीता जी ने वाणी रूपी भ्रमरी को अपने रूपी कमल पर रोक रखा है, तो गिरा का अर्थ वाणी। प्रभु बोले, प्रभु माने श्री राम, भगवान श्री राम बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी से। और वो गंभीर वाणी किसके जैसी है? नीर निधि। नीर निधि, देखिए नीर माने क्या, पानी, निधि माने भंडार, नीर निधि कौन है? समुद्र। भगवान श्री राम समुद्र के जैसी गंभीर वाणी से बोले। अब आप सोचोगे समुद्र की वाणी गंभीर कहाँ होगी? आप देखिए सागर के किनारे जब आप खड़े होंगे, लहरें उठती हैं, गड़गड़ाहट की आवाज होगी। आप कभी गंगा घाट जाकर के देखिए, वहां भी गड़गड़ाहट होती है, गंगा के पानी में बहाव का स्वर सरयू में। गंगा में हरिद्वार जैसे स्थान पर गंगा बहती है तो हरहराहट की आवाज़ होती है। आप देखिए जैसे हवा चलती है ना तो तेज हरहराहट हो जाती है अपने आप ही, ऐसे ही पानी में भी, गंगा में हो, समुद्र में बहुत तेज आवाज़ होती है। आप देखिए कभी कभी बादल गरजता है जोर से, अचानक मन में घबराहट सी आ जाती है, कभी कभी लगता है ना कि खोपड़ी के अंदर से वही आवाज़ आई। या फिर आप कल्पना करो कि आप गीत सुनते हैं, हम लोग दोनों कानों को अपने ईयरफोन से बंद कर लेते हैं, फुल साउंड कर लेते हैं, तो जब वो गीत बजता है, कभी डीजे बजता है, आप बगल में खड़े होकर सुनते हैं, आप लोग खैर बहुत कुछ करते हैं, तो सोचिए आवाज़ होते तो लगता है ना कि हमारी खोपड़ी में, हमारे मन में वैसे ही वो भी बजना शुरू हो गया। तो जो गंभीर स्वर होता है वो अंदर तक मन में प्रभाव डालता है, हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को स्पंदित करता है, तो वही आवाज़ जो होती है गंभीर वाणी कही जाती है। सागर के किनारे लहरों के उठने और गिरने का जो स्वर होता है वही गंभीर गड़गड़ाहट होती है, ठीक है। गोमुख से निकलने के बाद गंगोत्री से आगे गंगा का प्रवाह ऐसा है कि अकेला आदमी रात वात में पड़ जाए तो डर जाएगा, इतनी तेज आवाज़ है। तभी आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए, सुन लीजिए कैसी आवाज़ें हैं, सब मिलता है इसमें। तो ऐसे ही श्री राम में गंभीर वाणी है, जब वो बोले तो लोग मन से उसको सुन रहे हैं। गंभीर वाणी इतनी प्रभावी होती है कि व्यक्ति सारे काम छोड़कर उसको सुनता है। तो श्री राम भी गंभीर वाणी से बोलना शुरू कर दिए हैं और कहते क्या हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। देखिए श्री राम क्या कह रहे हैं, हे भरत भद्र, भद्र माने श्रेष्ठ होता है, सज्जन होता है, सत्पुरुष होता है, भाई हो सकता है, कहते हैं हे भाई भरत, अनुज भरत, श्रेष्ठ भरत, महान भरत, जो भी कह लीजिए, कहते हैं हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब कहो किस लिए आए हो, अभिप्सित अपना, अभिप्सित माने अभिलाषित, अपनी इच्छा, ठीक है, अभिप्सित का अर्थ है इच्छा। कहते हैं हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब अपनी अभिलाषा को कहिए। अभिप्सित का अर्थ है इच्छा या अभिलाषा। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, हे भाई भरत, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा बताओ, तुम किस लिए वन में आए हो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, सब लोग आनंद ले रहे। आप सोचो कि बढ़िया चांदनी रात है, ठंडी हवा चल रही, हवा में सुगंध है, सिंहासन लगा हुआ है, सबके सब बैठे हुए हैं, सब मस्त हैं अपने अपने धुन में। कैसे आप देखिए क्लास होती है, सभी बच्चे अपने अपने धुन में, अपने अपने काम में मस्त हैं, अचानक बड़े सर आ जाए, सारे काम किनारे सर एकदम स्ट्रेट सीधे हो, सजग हो जाते हैं। तो श्री राम की उस गंभीर वाणी को सुनकर सभी लोग ऐसे सजग हो गए, ऐसे तैयार हो गए सुनने के लिए। इस तरह से लोगों ने अचानक लोग एक्टिव हुए, सक्रिय हो गए, जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे अचानक कोई सपना टूट गया। आप देखिए आदमी का जब सपने में कभी नींद खुलती है तो अचानक उठकर बैठ जाता है,
माता जी ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी कि हम भरत को राज दिलाएंगे। तो भरत जी बड़े दुखी हैं, उन्हें लगता है सारा दोष लोग मुझे दोषी कहेंगे, पापी कहेंगे, सब मैं ही हूँ। तो कह रहे हैं हे आर्य, हे श्रेष्ठ, देखे आर्य का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, आर्य का ही अर्थ श्रेष्ठ, ठीक है। कहते हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अवधि, क्या अभी भी भरत की कोई अभिलाषा हो सकती है, क्या इस भरत की कोई और इच्छा हो सकती है। देखिए कितना बड़ा व्यंग कर रहे हैं श्री राम से, अपने व्यंग पूर्ण शैली में वो कैसे उत्तर दे रहे हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे बड़े भाई, क्या मेरी और भी कोई इच्छा हो सकती है। दुखपूर्ण आदमी कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तो क्या कहता, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, या निराश हो जाता है। जब बहुत निराश होता है तो कोई कहता है अरे क्या करना, हम मिला तो देखो, ठीक है, कोई चीज़ उसको मिल जाए। लेकिन अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, व्यक्ति जब निराश होता है तो क्या कहता है, देखो वो तो गया, लेकिन सब गया ना, मिट गया, हमारा ये काम बिगड़ गया। ऐसे भरत निराश, भले राज्य मिला, परिवार तो बिखर गया, पिता की मृत्यु हो गई, माता से नाराज है, भाई उनको वनवास में रह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या राज करेगा। किसी से कह दिया जाए घर वालों और
यश के लिए मेरा जन्म हुआ था, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और क्या अपनी माता के ही हाथों से मेरा विनाश होना था।